गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल सारक एवं लवण, और इसमें हम पढ़ चुके हैं अम्ल सारक और लवण, इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl से कौन कौन से यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साधारण नमक जो है, जो घर में हम प्रयोग करते हैं वही साधारण नमक, उसका सूत्र होता है NaCl। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। देखो रासायनिक नाम, जिस यौगिक में जो जो तत्व मौजूद हैं उन्हीं से उसका रासायनिक नाम बन जाता है। जैसे इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। लैब में अगर हम सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं तो इसको बनाने का तरीका हमें पता है। NaCl एक लवण है और लवण का निर्माण अम्ल और सारक की अभिक्रिया से होता है। तो NaCl को बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो NaCl बनता है। लेकिन ये काम हम सिर्फ लैब में कर सकते हैं। जो ये NaCl प्राप्त होगा, ये विलयन में प्राप्त होता है। इसके वाष्पीकरण से हम इसको ठोस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया का प्रयोग लार्ज स्केल पर नहीं किया जा सकता। मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत अधिक नमक को प्राप्त करने के लिए हम इस अभिक्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अधिक मात्रा में नमक को प्राप्त करने के लिए हमें इसका वाष्पीकरण करवाना पड़ेगा समुद्र के पानी से। क्यों? क्योंकि साधारण नमक समुद्र के जल में और पृथ्वी के नीचे मौजूद होता है। जो समुद्र के अंदर मौजूद है जल, जो समुद्री जल में साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, उसको प्राप्त करने के लिए हम समुद्री जल को बड़े बड़े से एरियाज में इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े बड़े से खेत बना लेंगे और उनमें समुद्र के जल को इकट्ठा कर लेंगे। सूर्य की जब धूप उसके ऊपर पड़ेगी तो उसमें से जल का वाष्पीकरण हो जाएगा और पीछे सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। लेकिन वो अशुद्ध जल, सॉरी अशुद्ध लवण होता है, मतलब वो अशुद्ध सोडियम क्लोराइड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे लवण भी मिले होते हैं, तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाएगा फैक्ट्री के अंदर ले जाकर। अब जो नमक हमें मिलता है पृथ्वी में, वो उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार कोयले को खदानों से निकाला जाएगा, वैसे ही साधारण नमक को चट्टानों से या मिट्टी को खोद कर निकाला जाता है। जो पृथ्वी के अंदर हमें नमक मिलता है उसको बोलते हैं रॉक साल्ट, और उस वो भी अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे लवण मिले होते हैं। उसका निर्माण कैसे हुआ होगा, पृथ्वी के नीचे साधारण नमक का निर्माण कैसे हुआ होगा? पुराने समय में अगर पृथ्वी के ऊपर कोई समुद्र पहले रहे होंगे तो वो सूख गए होंगे सूर्य की धूप के कारण, या जो अत्यधिक गर्मी के कारण वो सूख गए होंगे, और उनमें जो नमक था वो वाष्पीकरण के कारण साधारण नमक में बदल गया होगा। और टाइम बीतने के साथ साथ समय बीतता चला गया और वो मिट्टी के नीचे दब गया। ठीक है, उसी नमक को हम खदानों से मिट्टी को खोद कर निकालते हैं, उसको बोलते हैं रॉक साल्ट। ठीक है भाई, वो ये तो हो गया कि साधारण नमक हमें कहां से प्राप्त होता है। अब साधारण नमक से हम कौन कौन से रसायनों को प्राप्त कर सकते हैं? देखो जो सोडियम क्लोराइड है, साधारण क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्ट है ये, मतलब सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, और इससे बहुत सारे रसायन जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, वे बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हैं। और वो कौन कौन से पदार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड से, वो हम पढ़ेंगे। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी कह सकते हो,
और Na2CO3 इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा या धावन सोडा, जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसका सूत्र है Na2CO3, उसको भी साधारण नमक से ही प्राप्त किया जाता है। तो हम देखते हैं इन तीनों को साधारण नमक से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो ये जितने भी यौगिक हम पढ़ेंगे, ये रसायन जो साधारण नमक से मिलते हैं, हमें इसमें पढ़ना क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो साधारण नाम क्या है वो, इसका रासायनिक नाम क्या है वो, इसको बनाने की विधि और इसके प्रयोग, सभी यौगिकों में यही चीज पढ़नी है, साधारण नाम, रासायनिक नाम, बनाने की विधि और उसके उपयोग क्या है। इनमें से जो यौगिक हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इनमें से पेपर में कोई ना कोई यौगिक जरूर आता है, दो या तीन नंबर का प्रश्न इसमें से जरूर आता है, वो पूछ लेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है और इसको बनाने की विधि क्या है। मतलब इतना सिंपल तो नहीं आता, घुमा फिरा के पूछेगा प्रश्न, लेकिन प्रश्न होगा यही। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो NaOH, इसका रासायनिक नाम इसी में छिपा हुआ है, सोडियम और ये हो गया हाइड्रोक्साइड, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। ये व्हाइट सा और टुकड़ों में आता है, ये भी चिकना होता है, क्यों, क्योंकि एक सारक होता है और हम पढ़ चुके हैं कि सारक साबुन जैसे चिकने होते हैं। निर्माण की विधि देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका निर्माण NaCl से होता है, क्योंकि हम पढ़ ही वो यौगिक रहे हैं जो सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। तो सोडियम क्लोराइड से कैसे बनेगा, सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन से विद्युत धारा गुजारने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। मतलब कहने का कि सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करवा दो, NaCl है पानी में गोलो और उस पानी में से विद्युत धारा को गुजार दो। कैसे गुजारेंगे, ये देखो इधर, ये हमने एक टब ले लिया, इसमें हमने नमक को पानी में घोल दिया और इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दी, दो इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोडों को जब हमने बैटरी से संयोजित किया तो बैटरी में एक प्लस वाला एक माइनस वाला सिरा होता है, तो प्लस वाले को एनोड बोलते हैं और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। तो प्लस वाला जो सिरा है इस पे देखो, इसके अंदर NaCl है और वो भी पानी के अंदर घुला हुआ, तो NaCl क्या होगा, NaCl टूट जाएगा, सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा और हमें प्राप्त क्या होगा, NaCl पानी में है, याद रखना H2O ऐसे है, तो NaCl जब टूटेगा तो क्लोरीन गैस वो हमें एनोड के ऊपर प्राप्त होगी, एनोड होगा प्लस वाला, तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, यहाँ पे Cl2 गैस प्राप्त होती है, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और विलयन में जो बच जाएगा वो रह जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हमारे पास था क्या, हमारे पास था NaCl, सोडियम क्लोराइड ये था, इसको हमने पानी में घोल दिया, NaCl का पानी में घोल कहलाता है ब्राइन, ब्राइन बोलते हैं, और इसमें से हमने क्या गुजार दी, विद्युत धारा गुजारी, विद्युत धारा गुजारने पे क्या प्राप्त हुआ हमें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 और H2 हाइड्रोजन गैस, ये हमें प्राप्त होगी एनोड पे, ये हमें प्राप्त होगी कैथोड पे और ये प्राप्त हो जाएगा विलयन के अंदर, ठीक है। तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने यही पढ़ना है कि निर्माण की विधि किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है भाई। इस अभिक्रिया को, ये पेपर में बहुत आती है, इस अभिक्रिया को क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर सार या क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें, इस अभिक्रिया में हमें एक तो ये NaOH प्राप्त हुआ जो कि एक सारक है और क्लोरीन गैस प्राप्त हुई, ठीक है, तो एक सारक प्राप्त हुआ, एक क्लोरीन गैस प्राप्त हुई, इसलिए इस अभिक्रिया को बोल देते हैं क्लोर सार अभिक्रिया या क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि जो NaOH है ये पानी में घुलनशील सारक है, तो इसको सार बोलते हैं और सार को इंग्लिश में अल्कली बोलते हैं,
तो क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब हमें तीन चीजें प्राप्त हुई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किससे प्राप्त हुई? विद्युत अपघटन से, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से हमें तीन चीजें प्राप्त हुई, क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तीनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम इनके उपयोग पढ़ते हैं, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भाई साबुन बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स बनते हैं नायलॉन रेयन वगैरह, उनको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। पेपर इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और डाइज बनाने में जो अलग अलग रंगों की डाई आती हैं उनको बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इन यौगिकों में यही पढ़ना है, उसका रासायनिक नाम, साधारण नाम, बनाने की विधि और उपयोग। ठीक है, क्योंकि इसमें तो तीन चीजें बनी तो हम बाकी दो को भी उपयोग पढ़ लेते हैं। क्लोरीन गैस, देखो क्लोरीन गैस का उपयोग रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है, मतलब जल में क्लोरीन मिलाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। जो सप्लाई का पानी घरों में आता है उसमें क्लोरीन की स्मेल आती है, वो क्यों डाली जाती है? वो इसलिए डाली जाती है ताकि इसमें उपस्थित बैक्टीरिया उनको मारा जा सके, तो ये रोगाणु नाशक का काम करती है। विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो उस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम रेफ्रिजरेटर में और AC में यूज करते हैं कूलेंट के रूप में, तो उसको बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, कुर्सियां जो बनती हैं प्लास्टिक की वो PVC से बनती है, या फिर पाइप जो प्लास्टिक के बनते हैं वो PVC से बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और उसको बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड, खेतों में पेस्ट को मारने के लिए, पेस्ट मतलब कोई भी जानवर जैसे जो फसलों को खाता हो, जैसे रैट हो सकता है और स्नेक हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो फसलों को खराब करती है, कोई ऐसा जीव, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, उनको पेस्ट बोलते हैं। तो उनको मारने के लिए जो दवाई बनाते हैं उन दवाइयों को बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस, देखो हाइड्रोजन गैस भी बनी है, इसके क्या उपयोग है? तो हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होती है, हम पढ़ चुके हैं रॉकेट में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है ईंधन के रूप में। वनस्पति घी को बनाने के लिए, जो घरों में वनस्पति घी आता है ना, एक तो देसी घी होता है, एक दूसरा तो वनस्पति घी दुकान से खरीद कर लेके आते हैं जिसको डालडा घी भी बोल देते हैं, उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि वनस्पति घी वनस्पति तेल से बनता है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। उर्वरक बनाने के लिए, जो खेतों में हम खाद डालते हैं ना, जो रासायनिक खाद है, एक तो घर की खाद होती है गोबर की खाद, वो नहीं, जो बड़ी बनाई जाती है पैकिंग में, उसको बोलते हैं उर्वरक, और उस उर्वरक को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। मिथेनॉल बनाने के लिए, मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल अल्कोहल होता है, मतलब शराब, लेकिन हम इसको पी नहीं सकते, ये तो एक विलायक के रूप में इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है मिथेनॉल, तो इसको बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखो एक अभिक्रिया से तीन चीजें बनी और तीनों के उपयोग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और बात, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्लोरीन है, ये दोनों एक अभिक्रिया में बनी थी, अगर हम इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवा दें तो एक तीसरा यौगिक प्राप्त होएगा, कौन सा? NaOH और क्लोरीन की ये प्राप्त होएगा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और इसका प्रयोग विरंजक के रूप में किया जाता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर के रूप में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये किससे बना? ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के बीच अभिक्रिया हुई तो हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं आगे, इधर आ जाओ। ये पहला हमने पढ़ लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना,
NaCl से। हम टॉपिक ही ये पढ़ रहे हैं कि साधारण नमक से कौन कौन से रसायन प्राप्त होते हैं। एक पढ़ लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पढ़ते हैं अभी धावन सोडा, जिसको बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा, उसका सूत्र क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब है बनाने की विधि। देखो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसका पूरा लिखूं सूत्र, तो इसका सूत्र आएगा Na2CO3 10H2O, और इसका रासायनिक नाम पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब इसमें 10 जल के अणु होते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन जब इसमें जल के अणु नहीं होते तो ये ड्राई कंडीशन में होगा, तो इसको बोलते हैं सोडा एस। जब इसमें जल के अणु नहीं है तो ये कह लो कि सूखा सोडियम कार्बोनेट बिना जल का, उसको बोलते हैं सोडा एस। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बना सकते हैं, तो बनाना तो सोडियम क्लोराइड से ही है, तो क्या करेंगे, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, उसको पानी में गोलो, सोडियम क्लोराइड था पानी में गोल दिया जल, उसमें से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवा दो, NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें से क्या करवा दिया, हमें पास करवा दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, NaHCO3 और NH4Cl। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी भी हमें Na2CO3 प्राप्त नहीं हुआ है, हमें तो सिर्फ NaHCO3 प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हमें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा, इस मतलब इसके अवक्षेप मिल जाएंगे NaHCO3, ये मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये प्राप्त हो गया, इसको निकाल लेंगे, इसको सुखा लेंगे और फिर इसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो ये हमें देगा Na2CO3 साथ में CO2, ठीक है भाई। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसमें से जल भी निकलता है, तो ये देखो ये हमें प्राप्त हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मतलब धावन सोडा। लेकिन ये तो बिना जल के है, इसमें तो जल के अणु ही नहीं है, जबकि इसके साथ जल के 10 अणु आते हैं, तो ये जो हमें मिला है, हम इसको दोबारा से जल में डालेंगे Na2CO3, ठीक है। पहले जल में घोल लेंगे, फिर जल में जब पूरी तरह से जल में घोल के फिर दोबारा से उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, तो उसमें से दोबारा से क्रिस्टल नीचे बैठ जाएंगे पानी में, तो जब वो हमें प्राप्त होगा, उस टाइम जब वो हमें प्राप्त होगा, तो वो इस रूप में प्राप्त होगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये होता है धावन सोडा, और ये जो 10H2O है, कि पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण जल, ठीक है। मतलब सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ जल के 10 अणु होते हैं, ये हाइड्रेटेड कंडीशन में है, हाइड्रेटेड, ठीक है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं, जब लवण हाइड्रेटेड कंडीशन में होते हैं तो उनका कोई ना कोई कलर होता है, और जब हम इनको गर्म कर देते हैं तो ये क्रिस्टलीकरण जल उड़ जाता है और उस लवण का रंग भी बदल जाता है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये बन गया भी सोडियम कार्बोनेट। कैसे बना, हमने लिया सोडियम क्लोराइड, उसको पानी में घोला, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को गुजारा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने गर्म किया और क्या प्राप्त कर लिया, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये तो ड्राई प्राप्त हुआ ना, सूखा प्राप्त हुआ, तो इसको जल में मिला देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडे के क्या उपयोग है, देखो धावन सोडे के उपयोग तो आप लोगों को पता भी है, इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं हम, कपड़े धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, धावन सोडे का, कपड़े धोने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं भाई। और रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की जो हार्डनेस है, हार्डनेस मतलब जल जो होता है दो तरीके से मिलता है, एक कठोर जल होता है और एक होता है मृदु जल। मृदु जल, मृदु जल कौन सा, जिसमें झाग आसानी से बन जाते हैं उसको बोलते हैं मृदु जल, और कठोर जल जिसमें झाग, साबुन झाग जिसमें नहीं देता उसको बोलते हैं कठोर जल। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग
करते हैं। ठीक है, पहला प्रयोग क्या, इसका प्रयोग धावन सोडे के रूप में करते हैं, मतलब कपड़े धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग मैंने बताया कि जल की जो कठोरता है उसको दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग भी कांच बनाने के लिए भी किया जाता है, और कांच और बोरेक्स, किसका, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच और बोरेक्स बनाने के लिए भी करते हैं। बोरेक्स भी एक तरह का कांच ही होते हैं। तो ये हो गए उपयोग किसके, धावन सोडे के। ठीक है भाई, अब हम अगला रसायन पढ़ते हैं। अगला रसायन क्या है हमारा, बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। अभी हमने पढ़ लिया धावन सोडा, इनमें से कोई ना कोई आपको पेपर में जरूर मिलेगा। तो बेकिंग सोडे का सूत्र पहले हमें पता होना चाहिए, सूत्र क्या है, NaHCO3। रासायनिक नाम क्या है, जो जो चीजें इसमें है वही रासायनिक नाम पड़ जाएगा। सोडियम, तो सोडियम क्या आगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आगे क्या है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम हो गया इसका NaHCO3 का, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब साधारण भाषा में कहें तो मीठा सोडा, जो हम मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं घरों में उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब है बनाने की विधि, सभी में यही पढ़ना है जैसा कि मैं बता रहा हूँ। विधि, विधि अभी अभी ये लास्ट अभिक्रिया में मैंने बताया था कि हमारे पास क्या है, NaCl है सोलिड, इसको जल में मिलाया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस गुजारी, तो क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये देखो, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। ठीक है भाई, तो प्राप्त हो गया हमें। अब क्या इसके उपयोग, बेकिंग सोडे के उपयोग, बेकिंग सोडे को जब हम गर्म करते हैं NaHCO3, इसको गर्म करते हैं ना, तो ये देता है Na2CO3, पढ़ चुके हैं साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है H2O। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत काम की चीज है। क्या, क्यों काम की चीज है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कठोर चीज होती है उसको सॉफ्ट करने में काम आती है। इसलिए मीठे सोडे का प्रयोग ज्यादा सख्त चीजों को पकाने में किया जाता है, जैसे अगर चना, चने को जल्दी फुलाना है या जल्दी सॉफ्ट बनाना है तो हम उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे, क्यों, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देगी। या जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसका प्रयोग हम ब्रेड या बिस्किट या केक बनाने में किया जाता है, क्योंकि केक और ब्रेड बहुत स्पंजी होते हैं, स्पंजी मतलब मोटे से होते हैं, उनमें छिद्र होते हैं ना कितने, तो वो छिद्र जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से ही बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है, उसको फाड़ के तो उसमें छिद्र हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर हम इस अभिक्रिया में जैसे कोई चीज हम गर्म कर रहे हैं और खाना गर्म कर रहे हैं उसमें ये डाल दिया NaHCO3, तो उसमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बनेगी लेकिन Na2CO3 भी तो बनेगा। ये तो साबुन होता है और साबुन का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होगा, इसका मतलब है बनने वाली चीज तो कड़वी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, तो मैं बताता हूँ फिर क्या करते हैं, पहले देख लो इसका उपयोग क्या करते हैं। तो बेकिंग सोडा एक तो भाई खाने को मुलायम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरा इसका प्रयोग हम एंटीसिड्स के रूप में करते हैं। एंटीसिड मतलब जो अति अम्लता हो जाती है हमारे पेट में, अम्लीयता बढ़ जाती है, उसको दूर करने के लिए। ठीक है भाई, तो मैं बता रहा था कि जो एक जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें ये बनेगा Na2CO3 और साबुन, और इसका जो टेस्ट है वो तो कड़वा है, इसलिए हम इसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। किसको, बेकिंग सोडे को किस में परिवर्तित करेंगे, हम इससे बना लेंगे बेकिंग पाउडर। क्या बनाएंगे, बेकिंग पाउडर बनाएंगे। अब बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग हैं, ये बात याद रखना। अंतर क्या है दोनों में, बेकिंग सोडे में अगर हम कोई
अम्ल मिला दे, खाद्य अम्ल, खाने योग्य कोई अम्ल मिला दे, जैसे कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया, टार्ट्रिक अम्ल, तो प्राप्त क्या होगा हमें, हमें प्राप्त हो जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है भाई, बेकिंग पाउडर। अब इस बेकिंग पाउडर का प्रयोग हम कर सकते हैं किसमें, ब्रेड में और केक में। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, अब देखो, पहले जब हमने खाली इसका प्रयोग किया था तो इसने Na2CO3 बना, Na2CO3 बनाया, और बनने वाली चीज हो सकता कड़वी भी हो जाए, तो इससे बचने के लिए हमने क्या मिला दिया, कोई खाद्य अम्ल इसमें मिला दिया, खाद्य अम्ल कौन सा, जैसे टार्ट्रिक अम्ल, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, बेकिंग पाउडर। तो ये बात याद रखना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और खाद्य अम्ल का मिक्सचर होता है एक, तो हमारे पास अब क्या है, बेकिंग पाउडर है, ना कि बेकिंग सोडा। अब उस बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे हम किसके रूप में, एक तो वही अति अम्लता को दूर करने के लिए, मतलब जो हमारे एसिडिटी हो जाती है उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम बेकिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह तो एक क्षारक के रूप में कार्य करता है, और जैसे ही हमारे अमाशय में जाएगा तो बनने वाले अम्ल को उदासीन कर देगा और हमें एसिडिटी से आराम मिलेगा। दूसरा इसका प्रयोग हम कर सकते हैं किस में, जो ब्रेड बिस्किट, सॉरी ब्रेड और केक को स्पंजी बनाने के लिए, या पिछले साल एक प्रश्न आया था पेपर में कि पकोड़े को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो पकोड़े को खस्ता और क्रिस्पी, मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए हम NaHCO3 का प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बेकिंग पाउडर कह लो, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब ये बेकिंग पाउडर में NaHCO3 होता है, साथ में अम्ल भी होता है, तो अभिक्रिया जब होगी, जब हम इसको डालेंगे किसी खाने में, तो क्या होगा, NaHCO3 साथ में इसमें कोई ना कोई खाद्य अम्ल भी है। ठीक है, जैसे टार्ट्रिक अम्ल, और अम्ल जब हम डालेंगे तो वो क्या देगा, वो हाइड्रोजन आयन देगा, जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनता है, Na2CO3 बनना था और CO2 बननी थी, साथ में H2O बनना था, लेकिन अब ये तो हो गया सारक, और इसमें जो अम्ल हमने मिला रखा है वो अम्ल इस सारक से अभिक्रिया करके इसको उदासीन कर देगा। ठीक है, वो अम्ल कौन सा है, टार्ट्रिक अम्ल है, और ये सोडियम और टार्ट्रिक अम्ल आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम टार्ट्रेट प्राप्त हो जाएगा, सोडियम टार्ट्रेट। ठीक है, अगर ये खाली ये बनता तो केक कड़वा हो जाता, या जो ये ब्रेड है ये कड़वा हो जाता, तो लेकिन इस साबुन को, ये तो साबुन का सूत्र है ना, धाम सोडे का, इसको उदासीन कर दिया किसने, जो हमने इसमें अम्ल मिलाया था, अम्ल मिलाने से किसमें बदला, सोडियम टार्ट्रेट में, और सोडियम टार्ट्रेट का जो स्वाद है वो प्लेजेंट है, मतलब अच्छा स्वाद है इसका, कड़वा स्वाद नहीं है। इसके बनने से तो जो केक है और या फिर ब्रेड है उसमें अच्छा स्वाद पैदा होगा, बुरा नहीं, इसके बनने से उसमें कड़वा स्वाद होगा, इसके बनने से अच्छा स्वाद पैदा होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें बनती है वो उसको और फ्लफी कर देगी, फ्लफी का मतलब है थोड़ा मोटा कर देगी उसको, और स्पंजी कर देगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, जब ब्रेड बनाने के लिए जो आटा गूंथा जाता है उस आटे के अंदर थोड़ा सा NaHCO3 बेकिंग पाउडर मिला के और उसको छोड़ देते हैं, उसके अंदर ही अंदर अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ही अंदर बनती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो उसको फुला देती है, वो फूल जाएगा, फूलता रहेगा, और आखिर में क्या होगा, वो तो फट जाएगा, उसमें छिद्र हो जाएंगे, वो सारे छेद हो जाएंगे, फिर उसको यूं के यूं को ओवन में डाल के पका देते हैं, तो ब्रेड या केक तैयार हो जाता है। इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद है हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग, मतलब बेकिंग सोडे का प्रयोग। देखो, बेकिंग सोडे का प्रयोग किसमें किया हमने, बेकिंग सोडे का प्रयोग हमने बेकिंग पाउडर बनाने में किया,
और बेकिंग पाउडर का प्रयोग हमने एंटी एसिड के रूप में किया, और पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए भी हमने बेकिंग सोडे का ही प्रयोग किया भाई, बेकिंग सोडे का, और ब्रेड और केक बनाने के लिए भी इसका ही प्रयोग किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है किसका उपयोग, बेकिंग सोडा। हमने बेकिंग सोडे का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया, हम बेकिंग सोडे के उपयोग पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उपयोग क्या है इसका, बेकिंग सोडे का ही। तो बेकिंग सोडे का प्रयोग NaHCO3 का, इसका उपयोग हम गैस बुझाने के लिए जो यंत्र होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, सोडा एसिड, ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर, उसमें NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो जलती हुई वस्तुओं के ऊपर गिरेगी, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई वस्तुओं को बुझा देती है, लेकिन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनेगी, उस यंत्र में, जैसे ये यंत्र है उसमें हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लेते हैं और इसको ऊपर से बंद कर देते हैं, और इसके अंदर यहाँ किसी बर्तन में, यहाँ साइड में कहीं पे कोई अम्ल डाल देंगे, तनुकृत अम्ल, जैसे इसमें डाल दिया हमने भाई H2SO4, ठीक है, और इसको बंद कर दिया ऊपर से, इसमें ये लगा दिया पाइप, तो ये अम्ल है और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम इसको प्रयोग करना होगा तो हम इसको हिलाएंगे अच्छे से, हिला के क्या होगा, जो ये अम्ल है ये इसमें मिल जाएगा NaHCO3 में, और हमें पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाएगा, धातु का लवण क्या बनेगा, धातु ये है तो Na2SO4 बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनता है, ये बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसके अंदर बनेगी ना तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी तो अपने साथ ये जो विलयन बना है इसको भी ले आएगी, तो जो जलती हुई वस्तु है उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो गिरी ही, साथ में जो ये विलयन है ये भी गिरेगा, इससे क्या होगा, जो जलती हुई वस्तु है उसके ऊपर एक कवर सा बन जाएगा और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो बुझ जाएगी। तो इस प्रकार बेकिंग सोडे का प्रयोग जलती हुई वस्तुओं को बुझाने में किया जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया बेकिंग सोडे के उपयोग, और क्या है, तो ये हो गया बेकिंग सोडा की, लाइट चली गई हुई, तो ये आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा साधारण नमक, उसके बाद हमने पढ़ा साधारण नमक से बनने वाले अलग अलग रसायन कौन से, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा भाई बेकिंग सोडा, उसके बाद हमने पढ़ा धावन सोडा, सभी में पढ़ना क्या है, रासायनिक नाम, साधारण नाम बनाने की विधि और उनके उपयोग, इनमें से और भी बाकी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इनमें से प्रश्न अवश्य मिलेगा, और ये अभिक्रियाएं जो मैंने करवाई है ये अभिक्रियाएं पेपर में आती हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना है और याद करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।